मंगलवार रात हीरानगर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लठ चले। उन्होंने एक दूसरे पर कुर्सी भी फेंकी। पुलिस ने दोनों दलों के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक गौरीनगर में भाजपा के चुनाव कार्यालय पर कांग्रेसियों ने घुसकर मारपीट करी। रात करीब 12 बजे कांग्रेसी इकट्ठा होकर भाजपा कार्यालय पहुंच गए और अपशब्द कहने लगे। भाजपाइयों ने जाने का कहा तो भीतर घुस गए और लठ से पीटने लगे। इतना ही नहीं, इस दौरान जमकर कुर्सियां भी एक दूसरे पर फेंकी गईं। हीरानगर में 20 नवंबर को वार्ड में कांग्रेस नेता अमित पटेल की पत्नी यशवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने कमला ठाकुर प्रत्याशी हैं। कांग्रेसी यहां भाजपा के नेताओं पर वोटरों को लालच देकर तोड़ने का आरोप लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं के पूर्व से चली आ रही रंजिश को लेकर मारपीट की बात कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में 24 से ज़्यादा लोगों पर पुलिस ने मारपीट हमला करने का आरोप दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।